गया सॉल्व द इक्वेशन बाय द गॉस जेकोबी मेथड, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, 8x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 13, x माइनस 10y प्लस 3z इज इक्वल टू 17, 3x प्लस 2y प्लस 12z इज इक्वल टू 25। सेकंड क्वेश्चन इसी में गिवन है, 10x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 12, x प्लस 10y प्लस z इज इक्वल टू 12, x प्लस y प्लस 10z इज इक्वल टू 12 अप टू 3 इटरेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं बोला गया कि आपको कितने इटरेशन तक सॉल्व करना है, मतलब कि तब तक करना है आपको कि जब तक आपका कोई एक्यूरेट वैल्यू आपको न मिलने लगे, मतलब एक्स वाई जेड का तब तक आपको इसको सॉल्व करते जाना है जब तक कि आपको एक एक्यूरेट एंड करेक्ट वैल्यू आपको न मिले, तब तक इसे सॉल्व करना है। और मैक्सिमम टाइम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन में आपको फिफ्थ एंड सिक्स इटरेशन एंड लास्ट होता है, मतलब कि फिफ्थ एंड सिक्स इटरेशन में आपको आंसर मिल ही जाता है, और एन से एन सेवंथ इटरेशन, इससे ज्यादा आपको नहीं। अगर उससे ज्यादा अगर आप जा रहे हो, मतलब आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपने कुछ गड़बड़ किया है, आपने किसी वैल्यू को आपने कैलसी से सॉल्व करते समय आपने कुछ मिस्टेक किया है, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। एंड टाइप देखिए, क्वेश्चन में जब भी आप देखोगे कि अगर आपको अप टू 3 इटरेशन गिवन रहेगा, तो आपको 3 इटरेशन तक ही करके सॉल्व करके छोड़ देना है, जो भी एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलेगा उससे लिख देना है, उसका वही फाइनल आंसर होगा। बट अगर आपको नहीं गिवन है 3 इटरेशन, तो आपको तब तक सॉल्व करना है जब तक कि आपको कोई करेक्ट वैल्यू न मिले। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप मैक्सिमम 6 इटरेशन तक करिएगा सॉल्व, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको 6 इटरेशन तक लेकर ही जाना है। और 3 इटरेशन अगर आपको पूछा जाता है, तो मतलब वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो 6 मार्क्स के लिए आपको 3 इटरेशन करके आपको छोड़ देना है। तो नाउ देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी है, कि खाली आपको एक बार वर्किंग रूल अगर आपने समझ लिया होगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो नाउ हम लोग देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, देन आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले जो भी इक्वेशन गिवन है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि वर्किंग रूल में मैंने आपको बताया क्या था। देखिए, ये क्या था, a1x plus b1y plus c1z is equal to d1 था, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। तो देखिए, यहाँ पर a1 क्या होता है, इन दोनों से ज्यादा होता है, तो मतलब देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर -1 2, मतलब कि ये ज्यादा है। सिमिलरली ये क्या है, ज्यादा होता है इन दोनों वैल्यू से, मतलब 10। आपको माइनस देखना नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर आपको खाली वैल्यू देखना है, वैल्यू क्या है आपका ज्यादा है इन दोनों से। सिमिलरली यहाँ पर देखिए सी क्या है, 12 ज्यादा है 3 एंड 2 से। तो इस तरह से क्या हो गया, a1 ग्रेटर देन है b2 एंड c3, तो इस तरह से आपको ये मिल गया। अब ना हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इससे खाली रखेंगे और इन दोनों वैल्यू को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिखता हूँ वैल्यू को, दैट इज 8x, जब भी अगर उस साइड जाएगा तो 8x दैट इज 1/8 हो जाएगा, एंड 13 माइनस, अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो 13 प्लस y हो जाएगा, एंड दिस इज द -2z। यहां से आपको मिल गया x का वैल्यू। अब ना y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहां से हम लोग y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। y का वैल्यू क्या, -10y, तो -10y सेम यहां पर हम लोग रखेंगे, माइनस क्या है 10y इज इक्वल टू क्या था आपका 17 -x -3z। अगर आप यहां से y का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, दैट इज 1/ क्या हो जाएगा -10, क्योंकि माइनस था यहां पर, तो -10 17 -x -3z। नाउ हम लोग क्या करेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो y का वैल्यू मिलेगा वो आपको मिलेगा 1/10, दैट इज यहां से मिलेगा -17 प्लस एक्स प्लस 3z। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ y, ये हो गया वैल्यू ऑफ y। अब ना सिमिलरली हम लोग z का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम z का वैल्यू 12z, ये क्या है ग्रेटर देन है, तो हम लोग इन दोनों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 25 माइनस 3x माइनस 12z माइनस 2y, तो -3x माइनस 2y एंड डिवाइडेड बाय क्या आपका 12, तो आपको यहां पर डिवाइड करना है 12 से। आप इसे चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे हम लोग लिखा था पहले, सेम यहां पर इस तरह से लिख सकते हो, 25 माइनस 3x माइनस 2y। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ z, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ना आपको फर्स्ट इटरेशन कैसे मिलेगा, तो फर्स्ट इटरेशन के लिए आपको क्या क्या आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको वाई जेड पता होना चाहिए, एक्स जेड पता होना चाहिए, राइट, वाई जेड एक्स जेड पता होगा, दैट इज एक्स वाई पता होगा,
तो आप इजिली एक्स वाई जेड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बट हमको यहाँ पर पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज पुट करेंगे। तो पुट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये फर्स्ट इटरेशन। तो हम लोग अब नाउ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट इटरेशन। तो फर्स्ट इटरेशन में काम क्या होता है, आपको पुट करना है। पुट क्या करना है, आपको पुट करना है एक्स जीरो वाई जीरो एंड जेड इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से पुट करते, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो, जैसे कि हम लोग ने वर्किंग रूल में देखा था, सेम यहां पर इस तरह से हम लोग पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट इटरेशन। अब नाउ फर्स्ट इटरेशन के लिए एक्स वाई जेड का वैल्यू के लिए हम लोग एक्स वन, नाउ यहां से क्या मिल जाएगा, एक्स वन, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट मीन्स वन। तो एक्स वन का वैल्यू मिलेगा यहां से, और एक्स वन का वैल्यू मिल जाएगा दैट इज वन अपॉइंट एट, यहां से थर्टीन है आपका, प्लस वाई, प्लस वाई एंड जेड की जगह पे जीरो सब्सटीट करोगे तो जीरो हो जाएगा। मतलब मैं आप डायरेक्ट अब लिखता हूं यहां पर 13/8। अब ना इसे आप कैल्सियम में सब्सटीट्यूट करोगे, 13/8 को सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू मिलेगा 1.625 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर देखिए एक्स टू, अब ना हमें क्या करना है, वाई टू का वैल्यू, वाई वन का सॉरी, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन है तो वाई वन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज क्या है वाई वन का वैल्यू, ये वाला, ये आपका वाई वन, वाई, ये क्या है वाई है, तो इसके फर्स्ट इटरेशन पुट करेंगे इसमें एक्स जीरो एंड जेड जीरो, तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई वन मिल जाएगा। वाई वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन अपॉइंट टेन माइनस सेवनटीन प्लस एक्स, प्लस एक्स जीरो, जेड भी जीरो, क्योंकि यहां पर एक्स जीरो जेड जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज ऑल इज जीरो, यहां से मिल जाएगा माइनस सेवनटीन बाय टेन, तो यहां से हो जाएगा माइनस वन पॉइंट सेवन। सिमिलरली यहां पर जेड वन मिल जाएगा, यहां पर जेड वन कैसे मिलेगा, एक्स जीरो वाई जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जेड वन दैट इज वन अपॉइंट ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव माइनस जीरो माइनस जीरो, दैट इज जीरो हो जाएगा यहां से, तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय ट्वेल्व, ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय ट्वेल्व, तो इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा यहां से 2.083 मिल जाएगा। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ एक्स वन वाई वन एंड जेड वन। बट ये तो एक्स वन वाई वन जेड वन हो गया, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्स वाई जेड। तो इसे कैलकुलेट कब करें, कब तक करेंगे, जब तक कि आपका एक ये जो वैल्यू है रिपीट ना होने लगे, दैट इज 1.625, यहां पर माइनस 1.7, यहां पर 2.083। अब नाउ हम लोग करेंगे क्या, एक्स वन वाई वन एंड जेड का, जेड वन का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट से मैं इसे ले लेता हूं इक्वेशन नंबर वन, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज द वाई का इक्वेशन है जो कि इक्वेशन नंबर टू है, एंड दिस इज फॉर जेड इक्वेशन दैट इज इक्वेशन थ्री। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वन का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई वन का वैल्यू सेम, देखिए एक्स वन वाई वन जेड वन, तो जहां भी वाई जेड है तो वहां पर हम लोग वाई वन जेड वन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां भी यहां पर देखिए वाई इज इक्वल टू क्या है, 17 माइनस एक्स माइनस थ्री जेड, तो एक्स वन वाई जेड वन का वैल्यू यहां पर करेंगे। सिमिलरली जेड का वैल्यू कैलकुलेट करते समय एक्स वन वाई वन दैट इज एक्स वन वाई वन का वैल्यू यहां पर, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड इटरेशन। इस तरह से हम लोग सेकेंड इटरेशन को कैलकुलेट करेंगे। नाउ देखते हैं कि सेकेंड इटरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ सी सेकेंड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन में क्या है, पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, मतलब कि जहां जहां वाई एंड जेड की जगह पे क्या करेंगे, एक्स की जगह पे एक्स वन सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई की जगह पे वाई वन सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड जेड की जगह पे जेड वन इन इक्वेशन वन टू एंड थ्री। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दैट इज एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहां पर एक्स इज इक्वल टू क्या है, वन अपॉन एटीन थर्टीन प्लस वाई, प्लस वाई, तो क्या किया हम लोग ने, वाई की जगह पे वाई वन, तो वाई वन का वैल्यू कितना मिला आपको, माइनस वन पॉइंट सेवन, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, माइनस वन पॉइंट सेवन सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड माइनस क्या आपका टू इंटू जेड, जेड का वैल्यू जेड की जगह पे जेड वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जेड वन का वैल्यू आपको कितना मिला, 2.083, जो कि हम लोग ने कैलकुलेट किया तो 2.083, तो 2.083। तो यहां से अगर आप इसे कैलसी में सब्स्टिट्यूट करोगे और इसे सॉल्व करोगे तो लेट से मैं और एक बार सिंप्लीफाई इसे कर देता हूं, दैट इज 13 माइनस 1.7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2.083 एंड डिवाइडेड में क्या है आपका, डिवाइडेड में 18 है। तो नाउ इसे कैलसी में सब्स्टिट्यूट करोगे एंड इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा, जो कि हमने यहां पर पहले से कैलकुलेट किया है, और जो वैल्यू आपको मिलता है वो वैल्यू कितना रहेगा आपका, दैट इज ये हो गया सेकेंड इटरेशन। तो सेकेंड इटरेशन के यहां पर एक्स टू लिखना मत भूलिएगा, दैट इज ये क्या हो जाएगा, एक्स टू का वैल्यू, ये हो जाएगा एक्स टू वैल्यू। तो एक्स टू का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 0.8917। तो दिस इज द सेकेंड इटरेशन, जो कि सेकेंड इटरेशन का आपको वैल्यू मिल जाएगा। अब नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहां पर
y2 का वैल्यू सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे। तो y2 का वैल्यू कैलकुलेट करते समय सेम हम लोग क्या करेंगे, जो भी वैल्यू x एंड z का वैल्यू जो भी मिला आपको x1 z1, देखिए यहाँ पर y2 का वैल्यू कितना मिला, दैट इज ये क्या y2, सेकंड इटरेशन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन को देखेंगे, दैट इज 1 अपॉन 10 माइनस 17 एक्स प्लस 3z। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे 1.625 एंड z की जगह पे 2.083, दैट इज 3 इंटू 2.08, तो हमें क्या मिल जाएगा सेकेंड इटरेशन मिल जाएगा। तो नाउ हम लोग सेम यहाँ पर वही काम करेंगे, दैट इज 1 अपॉन 10 सेम माइनस 17 है राइट प्लस एक्स तो एक्स की जगह पे एक्स वन, तो एक्स वन का वैल्यू आपको कितना मिला 1.625 राइट है प्लस 3z, तो 3 इंटू 2.083। नाउ इसे आप कैलसी पे सब्सटीट्यूट करोगे एंड इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वाई टू का वैल्यू मिलेगा वो निगेटिव में मिलेगा, दैट इज 0.9126। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे जेड टू का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फॉर द सेकेंड इटरेशन, तो जेड टू के लिए हम लोग इक्वेशन जेड को देखेंगे, दैट इज 1/12 25 माइनस 3x माइनस 2 है, तो एक्स एंड वाई, तो एक्स की जगह पे इसका वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, दैट इज 1.625 एंड जेड की जगह सॉरी वाई की जगह पे माइनस 1.7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2 इंटू माइनस 1.7, तो ये हो जाएगा प्लस, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो नाउ यहाँ से जेड का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1/12 25 माइनस 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आपका 1.625 राइट माइनस 2 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है आपका माइनस 1.7। तो यहां से क्या हो जाएगा अगर आप इसे लेट से मैं और एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूं यहां पर, तो 25 इंटू माइनस 3 इंटू 1.625 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 1.7 दैट इज 3.4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12। अब नाउ इसे आप कैलसी पे सब्सटीट्यूट करोगे एंड सॉल्व करोगे तो जो जेड टू का वैल्यू मिलेगा जेड टू का, तो जेड टू का वैल्यू कितना मिलेगा 1.96041। आप चाहे तो कैलसी पे देख भी सकते हो सब्सटीट्यूट करके, आपको सेम वैल्यू मिलने वाला है क्योंकि मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा है, इसलिए आपको मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा हूँ, आप डायरेक्ट आंसर को देखिए, अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप एक बार चेक कीजिए कैलसी में सब्सटीट्यूट करके, तो आपको समझ में आएगा कि क्या करेक्ट आंसर आया है कि नहीं, अगर कुछ डाउट होता है तो आप कैलसी में सब्सटीट्यूट करके देख सकते हो। नाउ हमें क्या मिल गया x2 y2 एंड z2, अभी तो हो गया x2 y2 z2 का वैल्यू, बट हमें क्या करना है थर्ड इटरेशन भी कैलकुलेट करना है। अब आप बोलोगे बार बार मतलब कि एक सेकेंड इटरेशन कैलकुलेट किया आपने, थर्ड इटरेशन मतलब कब तक करोगे, तो ये जब तक करोगे जब तक कि आपको एक करेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। तो यहां पर देखिएगा अब नाउ क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू एक्स टू, वाई इज इक्वल टू वाई टू, जेड इज इक्वल टू जेड टू इन इक्वेशन वन। मैं बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर जा रहा हूं, आई होप कि आपको समझ में आता होगा क्योंकि मैं यहां पर बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझा रहा हूं, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए अब नाउ क्या किया मैंने, एक्स की जगह पे अब नाउ जो भी एक्स का वैल्यू है, जो भी इसे देखिए एक्स वाई एंड जेड, जो भी एक्स का वैल्यू ये है आपका राइट है, वाई का वैल्यू आपका ये है एंड जेड का वैल्यू क्या है ये। तो नाउ जो भी आपको एक्स का वैल्यू है ये, इसमें क्या कीजिएगा वाई एंड जेड की जगह पे अब ये जो वैल्यू मिला आपको यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, देखिए इसी का यूज करेंगे, बट अब नाउ हम लोग थर्ड इटरेशन फाइंड करते समय जो भी सेकेंड इटरेशन का वैल्यू मिला है इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। तो नाउ हमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो मिलेगा क्या देखिए यहाँ पर देखते हैं सब्सटीट्यूट करके आंसर क्या मिलता है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, थर्ड इटरेशन है तो एक्स थ्री हो जाएगा यहाँ पर, तो एक्स थ्री इज इक्वल टू क्या है 1/18 राइट है 1/18 13। अब यहाँ पर क्या सब्सटीट्यूट करना है प्लस वाई, तो प्लस वाई, वाई की जगह पे क्या है माइनस 0., तो प्लस मतलब यहाँ पर माइनस है तो माइनस 0.9126, यहाँ पर क्या माइनस 2 इंटू जेड, तो 2 इंटू जेड, जेड का वैल्यू कितना मिला आपको यहाँ से, दैट इज जेड टू, क्योंकि जेड की जगह पे जेड टू, तो 1.96041। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो x3 का वैल्यू मिल जाएगा वो x3 का वैल्यू मिलेगा 1.02082। सिमिलरली सेम यहां पर हम लोग y3 कैलकुलेट करेंगे, तो y3 के लिए सेम 1/10 इंटू माइनस 17 है माइनस 17 एंड सेम यहां पर क्या है
प्लस एक्स प्लस थ्री जेड माइनस सेवनटीन प्लस एक्स प्लस थ्री जेड था, ठीक है। तो x की जगह पे x2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 0.8917, राइट। नाउ प्लस थ्री जेड, तो प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय जेड, जेड का वैल्यू जेड टू दैट इज 1.96041। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वाई थ्री का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा माइनस 1.0227, यहाँ से मिल जाएगा आपको ये वैल्यू। सिमिलरली क्या करेंगे, जेड थ्री का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट इज जेड थ्री इज नथिंग बट 1/12 दैट इज 25 माइनस 3 इंटू क्या था आपका यहाँ पर 3 × 0.8917 दैट इज 3 × x2। तो यहाँ पर x2 का वैल्यू जो था यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.8917। सिमिलरली यहाँ पर क्या आपका यहाँ पर z2 का वैल्यू यहाँ पर माइनस था माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या मिला आपको दैट इज y का वैल्यू कितना है 0.9 दैट इज माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.9126। तो यहाँ पर अगर आप इसे कैलसीपे सब्स्टिट्यूट करोगे इस वैल्यू को तो आपको जो वैल्यू मिलेगा यहाँ से वो वैल्यू मिलेगा समथिंग 2 पॉइंट। यहाँ पर माइनस क्यों आएगा क्योंकि ये तो माइनस था ना, y3 का वैल्यू माइनस है बट यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। यहाँ पर इसे कैलकुलेट करोगे तो 2.0125 जो कि इसका वैल्यू मिल जाएगा z3 का। दिस इज अ थर्ड इटरेशन। नाउ अब आपको मैं एक चीज समझाता हूँ कि सेकेंड इटरेशन में एंड थर्ड इटरेशन में क्या डिफरेंस है। देखिए सेकेंड इटरेशन में x2 का वैल्यू 0.89 है माइनस 0.91 इसमें 1.96। थर्ड इटरेशन कैलकुलेट करते समय x3 का वैल्यू मिला 1.0 माइनस 1.0 एंड प्लस 2.0। अब इन दोनों में आपको कुछ समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पर 0.89 आया था राइट है, यहाँ पर कितना मिला 1.02, मतलब कि इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्थ इटरेशन में भी जाना पड़ेगा क्योंकि आपको कुछ एक ऐसा वैल्यू नहीं दिख रहा है कि आप लिख सके एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फोर्थ इटरेशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ हम लोग सॉल्व करते हैं फिर से फोर्थ इटरेशन, देन देखते हैं कि आगे क्या मिलेगा। नाउ यहाँ पर हम लोग फोर्थ इटरेशन कैलकुलेट करते समय जो भी आपको x3 y3 एंड z3 का वैल्यू मिला है इसे हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 में मिला था उसमें कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 नहीं दिखता होगा तो आपको स्क्रीन में दिखता होगा, मैंने स्क्रीन पे आप यहाँ पर स्क्रीन में बार बार मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि आपको आई होप कि आपको समझ में आता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन में आप देखिए इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 में, तो उसपे क्या करेंगे, देखिए वहां पर क्या है x इक्वल टू क्या है 1/8 13 प्लस y माइनस 2z। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y की जगह पे y3 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड z की जगह पे z3। तो यहाँ से आपको x4 का वैल्यू मिल जाएगा दैट इज फोर्थ इटरेशन। तो नाउ यहाँ पर देखिए फोर्थ इटरेशन के लिए हम लोग पुट करेंगे x = x3 y = y3 एंड z = z3। तो नाउ यहाँ पर क्या मिल जाएगा दैट इज फोर्थ इटरेशन है तो x4 हो जाएगा दैट इज x4 = क्या हो जाएगा 1/8 राइट है x4। आप इक्वेशन को देखिए इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 जो कि आपको दिखता होगा यहाँ पर स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे देखिए क्या है 13 प्लस y प्लस क्या है y है माइनस 2z है। तो y का वैल्यू आपको कितना मिला था दैट इज इसमें देखिए y का वैल्यू कितना मिला आपको दैट इज y3 माइनस 1.00। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कीजिए माइनस 1.0227 राइट है। फिर सिमिलरली माइनस 2 × z, जेड का वैल्यू कितना है, जेड का वैल्यू दैट इज z3 दैट इज 2.0125। तो नाउ हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू मिलेगा आपको वो मिलेगा 99403। आप कैलसी का यूज कीजिए, कैलसी का यूज करके आप सॉल्व करोगे तो आपको सेम वैल्यू यहाँ पर मिलेगा। नाउ सिमिलरली y4 का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू क्या मिला आपको इक्वेशन 1, 2, 3 से, y का वैल्यू क्या है 1/10 माइनस 17 प्लस x प्लस 3z। देखिए आप स्क्रीन पे देखिए आपको दिखता होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 17 प्लस x की जगह पे x3 का वैल्यू दैट इज 1.02082। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.02082 प्लस क्या है 3z, तो 3 मल्टीप्लाई बाय z का वैल्यू कितना मिला 2.0125। नाउ यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए तो इसका कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पर 0.99416 मिल जाएगा। सिमिलरली सॉल्व z4 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे दैट इज 1/12। स्क्रीन पे देखिए z का वैल्यू क्या है 25 माइनस 3x माइनस 2y राइट है, तो माइनस 3 × x, x का वैल्यू क्या मिला आपको x3 दैट इज 1.02082 राइट है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा
माइनस टू इंटू वाई, टू इंटू वाई, वाई का वैल्यू क्या है माइनस है, माइनस 1.0227, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1.0227। तो यहाँ पर अब इसे कैलकुलेट करोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगा समथिंग 1.9985, ये आपका हो जाएगा जेट फोर। सिमिलरली ये हो गया फोर्थ इटरेशन। अब ना हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिफ्थ इटरेशन भी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सेम जैसे हम लोग ने इटरेशन फोर कैलकुलेट किया, सेम हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फिफ्थ इटरेशन कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, सेम पुट करेंगे इक्वेशन 1, 2, 3 जो भी आपको गिवेन है उसमें एक्स वाई जेड की जगह पे इस इटरेशन को पुट करेंगे, दैट इज एक्स फोर वाई इज इक्वल टू वाई फोर जेड इज इक्वल टू जेड फोर, किसमें करेंगे इन इक्वेशन, जो कि मैंने इक्वेशन का नंबर दिया हूं आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, स्क्रीन पे मैंने डाला हूं वहां पर देख लीजिए आप इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो नाउ देखिए क्या हो जाएगा, अब फिफ्थ इटरेशन कैलकुलेट करते समय x की जगह पे x4, y की जगह पे y4 एंड z की जगह पे z4। तो नाउ इक्वेशन देखिए, इक्वेशन में क्या दिख रहा है आपको, x इज इक्वल टू क्या है आपका 1/8 13 प्लस y माइनस 2z, तो प्लस y माइनस 2z, तो y की जगह पे y4, मतलब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो प्लस y की जगह पे दैट इज माइनस हो जाएगा 0.99416 प्लस माइनस 2z, तो माइनस 2 इंटू जेड, जेड की जगह पे जेड फोर, मतलब ये वैल्यू दैट इज 1.9985, ये हो गया आपका इटरेशन नंबर फिफ्थ। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स फाइव। तो नाउ यहाँ पर अगर इसे कैलकुलेट करोगे कैलसी में तो इसका जो वैल्यू मिलेगा आपको मिलेगा 1.0011। देखिए यहाँ पर क्या हो गया 1.0011 मिल गया। सिमिलरली यहाँ पर वाई फाई का वैल्यू मिलेगा दैट इज 1/10 माइनस 17 प्लस एक्स, प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 0.99403 प्लस 3 इंटू जेड, तो प्लस 3 इंटू जेड, तो 3 इंटू जेड, जेड का वैल्यू क्या है 1.9985। तो यहां से अगर कैलकुलेट करोगे तो वाई फाई का वैल्यू मिलेगा दैट इज 1.00104। सिमिलरली जेड फाई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहां से जो मिलेगा जेड फाई इज नथिंग बट 1/12 क्या है 25 माइनस 3x माइनस 2y, तो 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 0.99403, यहां से माइनस क्या है 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू वाई, वाई का वैल्यू क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज 0.99416। नाउ इसे कैलकुलेट कीजिए, यहां पर सॉल्व करोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगा जेड फाई का वैल्यू, वो जेड फाई का वैल्यू मिलेगा 2.0005। यहां पर देखिए अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, यहां पर देखिए 1.001 है, माइनस 1.001 एंड 2.0005। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, देखिए अब मैं सबसे पहले आपको इटरेशन दिखाता हूँ, फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन एंड थर्ड इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन में आपको क्या मिला था 1.625 माइनस 1.7 2.083, राइट, ये फर्स्ट इटरेशन हो गया। सेकेंड इटरेशन में आपको क्या मिला, सेकेंड इटरेशन में क्या मिला आपको 0.8917 माइनस 0.91 1.96। थर्ड इटरेशन में क्या मिल रहा है 1.0, देखिए फर्स्ट इटरेशन में 1 था, सेकेंड इटरेशन में आया 0.89, थर्ड इटरेशन में फिर से क्या आ गया 1.02, राइट है। फिर फोर्थ इटरेशन में आप देखोगे तो फोर्थ इटरेशन में फिर से आपको 0.99 आया, राइट, समझ में आ रहा है कुछ आपको। फर्स्ट इटरेशन में 0.89 था, सेकेंड इटरेशन में आपको सेकेंड इटरेशन में क्या मिला 0.89, फर्स्ट इटरेशन क्या था आपका 1.0 था, राइट, 1.0 के फॉर्म में था, सेकेंड इटरेशन 0.89, थर्ड इटरेशन फिर से 1.0 आया, तो फोर्थ क्या होगा 0.0 के फॉर्म में होगा दैट इज 0.99। फिफ्थ इटरेशन क्या मिला, फिर से 1.00 मिला। तो नाउ सिक्स्थ इटरेशन अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, बट यहां पर मैं बोलूंगा कि फिफ्थ इटरेशन में आप स्टॉप कीजिए, फिफ्थ इटरेशन में ही आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप इसके आगे करते जाओगे तो जो वैल्यू है 0.99 वाला वो आपका ऐसे ही रिपीट होते जाएगा, दैट इज अब अगर आप सिक्स्थ इटरेशन में भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो मिलेगा 0.99 वो समथिंग इंक्रीज होते जाएगा, दैट इज 0.99 है तो एक बार आएगा 0.999, सिमिलरली यहां पर भी आएगा 0.999, सिमिलरली यहां पर भी आएगा 1.99985, इस तरह से आपको मिलते जाएगा, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये आपका इस तरह से रिपीट होगा। एंड जो ये वाला वैल्यू फिफ्थ इटरेशन और नाउ सिक्स क्या हो जाएगा, सिक्स वाला इटरेशन इसी को क्या करेगा रिपीट करेगा, एंड सेवंथ इटरेशन क्या करेगा इसको रिपीट करेगा, दैट इज 1.000 इस तरह से जाएगा,
माइनस 1.000 इस तरह से जाएगा, 2.000005 इस तरह से। तो मतलब कि जो आपको x का वैल्यू मिल गया यहाँ से, तो ये हो गया आपका फिफ्थ इटरेशन फाइनल आंसर। तो यहीं से जो एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा, एक्चुअल वैल्यूज ऑफ x, y, z, r। x इज इक्वल टू मिलेगा आपको 1, y इज इक्वल टू मिलेगा -1, z का वैल्यू मिलेगा 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया मैंने देखिए क्या किया यहाँ पर। आप चाहे तो सिक्स इटरेशन देखकर भी कैलकुलेट भी कर सकते हो। सिक्स इटरेशन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ कि सिक्स इटरेशन में भी आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पर मैं ये तो फाइनल आंसर हो गया आपको, मे बी मैं सिक्स इटरेशन भी आपको बता देता हूँ कि जो सिक्स इटरेशन में आपको वैल्यू मिलेगा। मैं ये सिंपली है, ये फाइनल आंसर है, बट आपको यहाँ पर मैं समझाने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो सिक्स इटरेशन में मिलेगा एक्स सिक्स का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 0.99974। सिमिलरली जो y6 का वैल्यू जो मिलेगा वो -0.99974 मिलेगा। सिमिलरली z6 का जो वैल्यू मिलेगा यहाँ से वो वैल्यू मिलेगा 1.99989 मिलेगा। अगर आप सेवंथ में भी अगर आप सेवंथ कैलकुलेट करोगे, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, सेवंथ इटरेशन अगर आप कैलकुलेट करोगे भी, एक बार देख भी सकते हो कैलकुलेट करके, तो जो आपको मिलेगा यहाँ से दैट इज सेवंथ के लिए x7 मिलेगा, x7 का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा समथिंग 1.0006। y7 का वैल्यू मिलेगा -1.0000, इस तरह से जाएगा 0.5। सिमिलरली z7 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 2.000081। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, इटरेशन रिपीट होते जाएगा। मतलब इससे आपको क्या समझ में आया, ये जो दो पॉइंट्स है ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, ये नोट पॉइंट है। मतलब कि आप समझिए कि एक्चुअल में गॉस जेकोबी मेथड क्या होता है। देखिए फर्स्ट इटरेशन में क्या था, 0.89। लेट से एक बार और देखिए आप, सॉरी यहाँ पर देखिए फर्स्ट इटरेशन में आपको क्या मिला, x1 y1 z का 1 का वैल्यू 1.625 -1.7 2.083, राइट। सेकेंड इटरेशन में अगर आप देखोगे तो सेकेंड इटरेशन आपको क्या मिलेगा, सेकेंड इटरेशन में दिखाता हूं मैं आपको, सेकेंड इटरेशन में क्या मिला, 0.89 0.91। मतलब कि फर्स्ट इटरेशन में क्या मिला, 1 पॉइंट के फॉर्म में था, सेकेंड इटरेशन 0.89 आया। थर्ड इटरेशन में आपको क्या मिला, 1.0। मतलब कि फर्स्ट क्या था, 1 पॉइंट के फॉर्म में था, सेकेंड क्या था, 0.89। थर्ड क्या हुआ, फिर से 1.0 के फॉर्म में हुआ। और फोर्थ एंड फिफ्थ इटरेशन क्या मिला, फिर से फोर्थ इटरेशन 0.9, फिफ्थ इटरेशन क्या मिलेगा 1.001। सिक्स्थ इटरेशन अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से रिपीट हुआ, 0.99 यहाँ पर था तो यहाँ पर 9974 हुआ। सेवंथ इटरेशन आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये जो 0.0 इस तरह से जाएगा। अगर आप मे बी एट्थ इटरेशन कैलकुलेट करोगे तो ये जो 0.99999 इस तरह से जाएगा। y6 का वैल्यू मिलेगा 0.9999 इस तरह से, z6 का वैल्यू मिलेगा 1.99999। मतलब कि ये रिपीट होते जाएगा। और x7 अगर आप xn भी कैलकुलेट करोगे ना तो आपको ये रिपीट इस तरह से ही मिलेगा 1.000008। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो x6 का वैल्यू जो मिला एंड x7 का वैल्यू मिला ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। मतलब देखिए 0.999 एंड 1.0 में क्या डिफरेंस है, अगर आप इसे 1 भी लेते हो फिर भी x का वैल्यू 1 हो जाएगा, y का वैल्यू अगर आप -0.9999 अगर आप इटरेशन निकालते जाओगे तो आपको -1 मिल जाएगा, z6 का वैल्यू 1.9999 मतलब कि ये अप्रोक्सीमेटली 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको एक्चुअल वैल्यू क्या मिला, दैट इज 1, -1 एंड 2। तो यही आपको कैलकुलेट करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x 1, वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज फॉर वैल्यू ऑफ z दैट इज 2। तो नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू दिस टॉपिक। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं था, आपको देखना था कि इटरेशन निकालना था। इटरेशन यहाँ पर देखिए रिपीट होते, अगर आप आगे कैलकुलेट करोगे तो इस तरह से रिपीट होते जाएगा। तो मतलब नहीं आपको कैलकुलेट करके, आप एग्जाम में टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप फिफ्थ एंड सिक्स्थ इटरेशन में स्टॉप कीजिए। जहां पर दिखता है कि आपको रिपीट हो रहा है नंबर तो आप वहां पर स्टॉप कीजिए और वही आपका रहेगा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ इटरेशन से आपको क्या समझ में आया, 1, -1 एंड 2।
तो यहां से क्या 1.00 तो ये 1 हो जाएगा, माइनस 1.00 मतलब माइनस 1 एंड 2.005 मतलब जेड का वैल्यू 2. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में सेम गॉस जैकोबी मेथड का यूज करके आपको इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्व करना है बाय यूजिंग द गॉस जैकोबी मेथड. बट यहां पर क्या है, अप टू 3 इटरेशन तक ही आपको सॉल्व करना है. यहां पर आपको, यहां पर ऐसा नहीं कि 5th इटरेशन तक लेकर जाना है, 6th इटरेशन तक ले जाना है. आपको जो भी 3 इटरेशन में जो भी वैल्यू मिलेगा वही आपका रहेगा फाइनल आंसर, दैट इज x, y एंड z का वैल्यू. तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये इक्वेशन है जो कि 10x + 5 + z = 12 इस तरह से, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ने सॉल्व किया था सेम यहां पर भी सॉल्व करते हैं. तो यहां से जो देखिए, फिर से आपको बता रहा हूं, देखिए ये जो वैल्यू है इन दोनों के, इन दोनों से बड़ा है. सिमिलरली b का वैल्यू जो है 10 इन दोनों के वैल्यू से लार्ज है. सिमिलरली c का वैल्यू है इन दोनों से लार्ज है, ये दोनों क्या है स्मॉल है. तो नाउ इससे क्या समझ में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर इस फर्स्ट इक्वेशन से. तो x का वैल्यू मिलेगा दैट इज 1/10, राइट है, 1/10, ये हो जाएगा 12 माइनस y माइनस z. तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकंड इक्वेशन से 10y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस x माइनस z. तो यहां से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10, 1/10, ये हो जाएगा 12 माइनस, सॉरी यहां पर x है, माइनस x माइनस z. सिमिलरली अगर आप यहां पर थर्ड इक्वेशन को देखोगे तो थर्ड इक्वेशन से 10z क्या हो जाएगा, 12 माइनस x माइनस y. तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा. तो 1/10 क्या हो जाएगा, 10, 10, 12 क्या हो जाएगा आपका, माइनस x माइनस y. तो दिस इज, लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, अदरवाइज नहीं भी लिखोगे तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में समझाने के लिए लिखा था इक्वेशन 1 2 एंड 3. तो आप चाहे तो लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. अगर आप पुट करोगे बाद में तो आपको समझेगा कि कहां पुट करना है. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. तो नाउ इसके आगे आप क्या करोगे, फर्स्ट इटरेशन क्या होता है, फर्स्ट इटरेशन में काम क्या रहेगा, yz का वैल्यू पता नहीं तो x का कैसे फाइंड करोगे. ऐसा सोचिए, अगर आपको yz का वैल्यू पता नहीं है तो आप x का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे. सिमिलरली सेकंड में देखिए, सेकंड इक्वेशन में xz का वैल्यू पता नहीं है तो y कैसे मिलेगा, xy का वैल्यू पता नहीं है तो z का वैल्यू कैसे मिलेगा इन गॉस जैकोबी मेथड. तो उसके लिए गॉस जैकोबी मेथड ने क्या बोला कि सबसे पहला काम क्या रहेगा, उसमें पुट कीजिए x = 0, y = 0 एंड z = 0 एंड उसे सॉल्व कीजिए. यही होता है गॉस जैकोबी मेथड. तो पहला काम क्या रहेगा, x0 y0 एंड z0 सब्स्टिट्यूट करना है इन, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. इक्वेशन 1 तो आप लेफ्ट हैंड साइड में मत कीजिएगा पुट, नहीं तो पूरा सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा आपको. आप क्या कीजिएगा, राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा जिससे कि आपको सॉल्यूशन मिले. तो राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करोगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा यहां से, दैट इज 1/10. नाउ यहां से हो जाएगा 12 माइनस 0. ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में yz का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस 0 हो जाएगा. तो यहां से जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 12/10 एंड दिस इज इक्वल टू 1.2. सिमिलरली फर्स्ट इटरेशन है तो यहां पर x1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y1. सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, 1/10. अगर आप यहां पर फिर से xz का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे इन फॉर फाइंडिंग द y, तो यहां से मिल जाएगा 12 माइनस 0. तो यहां से फिर से आपको मिलेगा 12/10 एंड दिस इज, फिर से आपको मिल जाएगा 1.2, क्योंकि 12/10 क्या होता है, 1.2. सिमिलरली फॉर फाइंडिंग द जेड वन, तो जेड वन फाइंड करने के लिए सेम आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई को 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो 12 माइनस 0 दैट इज 12 हो जाएगा यहां से. तो 12/10, राइट, 12/10 इज नथिंग बट 1.2. तो यहां से क्या मिल गया, आपको फर्स्ट इटरेशन मिल गया, बट आपको फाइंड करना है थर्ड इटरेशन तक. तो थर्ड इटरेशन तक फाइंड करने के लिए सेम क्या क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे सॉल्व किया था, सेम यहां पर भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे. नाउ सी सेकंड इटरेशन में क्या करेंगे. नाउ सेकंड इटरेशन, फॉर फाइंडिंग द सेकंड इटरेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू एक्स वन, y इज इक्वल टू वाई वन एंड जेड इज इक्वल टू जेड वन. किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3. इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, x2, y2 एंड z2 का वैल्यू मिल जाएगा. नाउ हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन
टू को इक्वेशन सेकेंड इटरेशन फाइंड करेंगे। नाउ यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा आपको, सेकेंड इटरेशन है तो x2 हो जाएगा यहाँ पर, x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे, दैट इज 1 अपॉन 10 12 माइनस x की जगह पे x1, y की जगह पे y1, z की जगह पे z1। तो यहाँ पर देखिए क्या 12 माइनस y माइनस z, राइट, तो 12 माइनस y, तो y का वैल्यू क्या मिला y1, दैट इज 1.2, तो यहाँ से हो जाएगा 1.2 माइनस z, तो z की जगह पे z1 सेम है 1.2, तो यहाँ से जो वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा 12.12 माइनस 2.4, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे 10 एंड दिस इज नथिंग बट 9.6, राइट 9.6, तो 9.6 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0.96। आप कैल्सियम में सब्स्टिट्यूट करके देखिए आपको वैल्यू मिलेगा 0.96। नाउ सिमिलरली आपको क्या करना है, y2 फाइंड करना है, तो y2 के लिए सेकंड इस इक्वेशन को देखेंगे तो 1 अपॉन 10 12 माइनस x माइनस z, तो x की जगह पे क्या किया x1, y z की जगह पे z1, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 10 1 अपॉन 10 12 माइनस x, x की जगह पे 1.2 सेम है 1.2 माइनस z, z का वैल्यू भी 1.2, तो सेम यहाँ पर मिलेगा 2.4, दैट इज 12 माइनस 2.4 अपॉन 10 एंड दिस इज नथिंग बट फिर से आपको मिलेगा 0.96। सिमिलरली यहाँ से z2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो z2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सेम 1 अपॉन 10 12 माइनस x माइनस y, तो 12 माइनस x माइनस x, तो x की जगह पे x1 दैट इज 1.2, सिमिलरली यहाँ पर y है दैट इज y1, y1 का वैल्यू है 1.2, तो जो वैल्यू मिलेगा आपको, जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू कितना मिलेगा आपको, दैट इज सेम वैल्यू मिलेगा, दैट इज 0.96। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ z2, दिस इज द वैल्यू ऑफ y2 एंड दिस इज द x2, दिस इज द सेकेंड इटरेशन। बट हमें कब तक इटरेशन फाइंड करना है, दैट इज थ्री इटरेशन। तो थ्री इटरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो थ्री इटरेशन हमें कैलकुलेट करने के लिए एक और इटरेशन, मतलब जो भी x2, y2 एंड z2 का वैल्यू मिला है इसे हम लोग फिर से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी वैल्यू मिलेगा वही आपका रहेगा फाइनल आंसर। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड देखते हैं कि वैल्यू क्या मिलेगा। नाउ यहाँ पर हम लोग थर्ड इटरेशन में जा रहे हैं, देखिए थर्ड इटरेशन में क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू x2, y इज इक्वल टू y2, z इज इक्वल टू z2, जो भी आपको x2, y2, z2 मिला है इसे हम लोग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा वहां से थर्ड इटरेशन का वैल्यू। तो थर्ड इटरेशन का वैल्यू कैलकुलेट करते समय दैट इज थर्ड इटरेशन इज नथिंग बट x3 एंड x3 का वैल्यू मिल जाएगा दैट इज 1 अपॉन 10, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10 12 माइनस y माइनस z, तो y का वैल्यू दैट इज y2 दैट इज 0.96 माइनस 0.96, क्योंकि आपको दोनों का वैल्यू सेम मिला है, देखिए x2, y2, z2 मतलब तीनों वैल्यू जो है आपका सेम है 0.96 0.96 0.96, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे yz, xz, xy, तो आपको क्या होगा 0.96 ही होगा। नाउ यहाँ पर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे दैट इज 12 माइनस 0.96 माइनस 0.96, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा आपको वो वैल्यू कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा दैट इज 1.008। आप इसे चाहे तो कैल्सियम में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो आपको ये वैल्यू x3 का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली फॉर फाइंडिंग द x4 वैल्यू, तो x4 का वैल्यू क्या है 1 अपॉन 10 है, राइट है 1 अपॉन 10 12 माइनस 0.96, सेम है यहाँ पर 0.96, तो यहाँ से सॉरी यहाँ पर y4 आएगा तो y4 हो जाएगा एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ सेम 1.008, क्योंकि वैल्यू सेम है दोनों का, 1 अपॉन 10 यहाँ पर भी सेम है तो वही वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर z4 का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 1 अपॉन 10 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा x माइनस y, तो माइनस x माइनस y मतलब दोनों का वैल्यू सेम है 0.96 0.96, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा सेम होगा 1.008, तो यही आपका होगा फाइनल आंसर, यही आपको कैलकुलेट करना है। क्यों, क्योंकि देखिए आपको बोला गया था अप टू थर्ड इटरेशन, तो ये हो गया आपका थर्ड इटरेशन का वैल्यू। नाउ यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा आपको, जो कि एक्स वाई जेड का वैल्यू अननोन फाइंड करना, राइट, तो अननोन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो भी एक्स थ्री वाई फोर एंड जेड फोर का वैल्यू मिला है सेम आपका यही आंसर हो जाएगा दैट इज 1.008। वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.008, सिमिलरली जेड का वैल्यू भी सेम आएगा 1.008, जो कि आपको यही कैलकुलेट करना था, आपने इस तरह से इसे कैलकुलेट कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए हम लोग ने क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया था, थर्ड इटरेशन तक वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो हम लोग ने फर्स्ट सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड, तो जो भी अगर आपको बोला थर्ड इटरेशन तक, तो थर्ड इटरेशन तक ही कैलकुलेट करना है। अब जो भी वैल्यू मिलेगा थर्ड इटरेशन में x3, y4, z4, तो वही होता है आपका
दैट इज सॉरी, यहाँ पर x3 है तो ये भी y3 होगा, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए, x3 है तो यहाँ पर भी y3 एंड दिस इज z3। तो चूंकि ये z4 होता, अगर y4 होगा तो मतलब ये फोर्थ इटरेशन होगा, तो यहाँ पर x3 y3 एंड z3 है, तो यहाँ पर x3 y3 z3 मतलब x का वैल्यू सेम आपको इस तरह से मिल जाएगा। नाउ हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गॉस सीडल मेथड से रिलेटेड। यहाँ पर हम लोग ने देखा आज के लेक्चर में देखा कुछ वर्किंग रूल रिलेटेड टू द गॉस जैकोबी मेथड एंड दो क्वेश्चन को सॉल्व किया। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ पूछा नहीं गया था आपको कितने इटरेशन तक सॉल्व करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा, जब वैल्यू आपका सेम होगा आ जाएगा तो वो वैल्यू आपका लास्ट वैल्यू रहेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको जो भी अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको पूछा नहीं गया कितने इटरेशन तक, तो आप मैक्सिमम 5 to 6 इटरेशन तक सॉल्व कीजिएगा। 5 to 6 इटरेशन में ही आपको आंसर मिल जाता है, मतलब कि वहां वो आंसर रिपीट करने लगता है, तो वही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा, दैट इज xyz। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया था, अप टू 3 इटरेशन, तो हम लोग ने 3 इटरेशन में फाइंड किया, जो भी वैल्यू मिला वही आपका फाइनल आंसर था। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 समझ में आया होगा, जो कि 8 और 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह से आपको लेक्चर मिलता रहेगा, अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, किसी टॉपिक को आपको चाहिए तो उससे रिलेटेड भी आप कमेंट कर सकते हो, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।